Hello friends, welcome to be all around the channel. I am Suchi Smita here. Today I make chili chicken. So let's get started the video. इस video को आप end तक देखिए. तो चलिए start करते हैं chili chicken बनाना. तो मैंने यहाँ पे chili chicken के preparation के बारे में बताने वाली हूँ. तो चलिए देखते हैं क्या क्या ingredients लगे हैं chili chicken बनाने के लिए. मैंने यहाँ पे chicken लिया है. chicken को अभी मैं marinate करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया है. आप भी अपने स्वाद के accordingly नमक ऐड कीजिए. फिर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून हल्दी ऐड किया है. इस तरीके से आपको हल्दी 2 टेबलस्पून ऐड करना है. फिर यहाँ पे रेड चिली पाउडर है. रेड चिली पाउडर को मैंने यहाँ पे ऐड किया है. ये मैरिनेशन के लिए है फ्रेंड्स. और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है कलरिंग के लिए. तो कलर के लिए फूड कलर जरूरी होता है. और यहाँ पे मैंने सोया सॉस 2 टेबलस्पून ऐड किया है. तो चलिए मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने अदरक 2 टेबलस्पून लिया है. बड़ा वाला अदरक 2 टेबलस्पून लीजिए ताकि आपका जो मसाला है इस ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए. तो देखिए इस तरीके से आपको बड़ा टेबलस्पून 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है. फिर इसे अच्छी तरीके से मैरिनेशन करना है. बस इसी तरीके से आपको मैरिनेट करना है. मैरिनेट करने के बाद इस चिकन को हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन करके रख देंगे. 15 से 20 मिनट तक इसे मैरिनेशन करके रख दीजिए. फिर मैंने यहाँ पे जो कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर को मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून ऐड किया है. आपके चिकन के क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स. तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है. कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरीके से हम चिकन में ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे. तो देखिए इस तरीके से मेरा जो मैरिनेशन है वो बन गया. फिर मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था. ऑयल गर्म होने के बाद मैं चिकन को यहाँ पे फ्राई करने वाली हूँ. तो यह देखिए यहाँ पे मैंने चिकन को ऐड कर दिया है. छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा सा ऐड कीजिए ताकि आपका फ्राई भी अच्छी तरीके से हो जाए और चिकन का पकौड़ा जो है वो अच्छी तरीके से बन जाए. तो चिली चिकन बनाने के लिए हमें पहले चिकन का पकौड़ा बनाना पड़ता है. चिली पकौड़े को फ्राई करने के बाद ही चिली चिकन का ग्रेवी हमें बनाना है. तो इस तरीके से आपको चिकन के पकौड़े बनाने हैं. तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से ये घर पे चिली चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल का बन जाता है. आप बीच बीच में इसे हिलाते रहिए ताकि नीचे से ये लग ना जाए. तो देखिए मेरा चिकन का पकौड़ा कितना कलरफुल दिख रहा है. ये बन के रेडी हो गया. मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ. डीप फ्राई करने के बाद मैं इसे छान लूंगी. छानने के बाद मेरा पकौड़ा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है. तो चलिए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं. ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली लिया हुआ है जो कि बारीक कटा हुआ है. थोड़ा सा प्याज लिया है, कैप्सिकम लिया है और धनिये के पत्ते लिए हुए हैं. और यहाँ पे टमाटर केचप है और यहाँ पे ग्रीन चिली केचप है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना. तो मैंने यहाँ पे प्याज को गरम तेल में ही ऐड कर लिया है. ऑनियन को अच्छी तरीके से फ्राई करना है फ्रेंड्स. ऑनियन को अच्छी तरीके से आप फ्राई कीजिए. और फिर मैंने यहाँ पे जो कैप्सिकम कटा हुआ था उसे भी ऐड कर लिया है. और ग्रीन चिली जो मैंने कटा हुआ था उसे भी ऐड कर लिया है. इस सारे चीजों को अच्छी तरीके से आप मिक्स करके फ्राई कीजिए. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फ्राई हो गया. फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ. 2 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले से ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट चिकन के पकोड़े में. तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया. फिर ये है आपका जो ब्लैक पेपर. थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जो आपका झालपन है वो अच्छी तरीके से उभर के आए. और ये आपका चिकन मसाला 1 टेबल स्पून. तो चिकन मसाला भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है. थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ कलर के लिए. तो देखिए यहाँ पे सोया सॉस मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है. तो यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस एंड टमाटर केचप मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है. ये ग्रेवी बनाने के लिए है. तो देखिए इस तरीके से आपको बस ग्रेवी बनाना है. ग्रेवी बन जाने के बाद आपके जो चिकन पकोड़े फ्राई किए हुए थे उसे बस ऐड करना है. फ्रेंड्स इसे जरूर ट्राई कीजिए. बहुत इजी, बहुत आसानी से घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल के जैसे बनता है चिली चिकन. अगर आपको खाने का मन हो, कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो ये घर पे बना के खाइए. तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए. मुझे इस तरीके से प्यार देते रहिए ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो लेके आ सकूं. तो मेरे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाए. मेरे मुझे इस तरीके से प्यार देने के लिए थैंक यू. और मुझे कमेंट करना मत भूलिए फ्रेंड्स.